वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें 32/243 होल टू द पावर n इज इक्वल टू दे दिया गया है 8/27, तो हमें फाइंड करना है n प्लस 0.4/1024 होल टू द पावर माइनस n का वैल्यू। इसके लिए पहले हमें n का वैल्यू फाइंड करना होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2^5/3^5 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 2³/3³, और इसे हम लिख सकते हैं 2/3^5। यहाँ जो n है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5n हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2/3^3। सो आप देख रहे हो कि 2/3 जो दोनों तरफ सेम है, सो पावर भी सेम होना चाहिए। सो हम लिख सकते हैं 5n इज इक्वल टू 3, therefore n is equal to हो जाएगा 3/5 = 0.6। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो n प्लस 0.4, यहाँ पे ये डेसिमल फॉर्म में दिया गया, सो हम डेसिमल वैल्यू यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा 0.6 + 0.4/1024 होल टू द पावर माइनस n है, यहाँ पे हम फ्रैक्शन वैल्यू यूज करते हैं, -3/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6 + 0.4 मीन्स 1/1024 जो कि है 4^5 का वैल्यू होल टू द पावर -3/5 है, इज इक्वल टू 1/4^5 है, जिसे कि हम लिख सकते हैं 4^-5, और यहाँ जो -3/5 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इनटू -3/5, सो माइनस कैंसिल हो जा रहा है और 5 भी कैंसिल हो जा रहा है, सो 4³ इज इक्वल टू 64, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।